मुरादाबाद के रहने वाले छात्र ने बनाया एक अनोखा ड्रोन जिससे मिलेगी काफी सुविधाएं। जी हां, हम आपको बता दें, मुरादाबाद का रहने वाला है छात्र निमिष यादव, जो कि सुल्तानपुर जिले में स्थित कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कर रहा है। आइए बात करते हैं निमिष यादव से। नमस्कार, मैं युद्धवीर सिंह चौहान और आप देख रहे हैं आरटीसी न्यूज़ चैनल। हमारे साथ मुरादाबाद के मेधावी निमिष यादव, जिन्होंने मुरादाबाद में रहते हुए और अभी सुल्तानपुर में वो स्टडी कर रहे हैं और इन्होंने हैंडमेड ड्रोन बनाया है। निमिष जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको आखिर ये जो प्रेरणा मिली है वो कहाँ से मिली है? ये प्रेरणा मुझे मेरे पापा से मिली है, क्योंकि बचपन से मुझे बोलते थे कि तुम्हें बड़ा सा इंजीनियर बनना है, अपना नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, अपने मुरादाबाद शहर का नाम रोशन करना है और साथ ही अपने देश का नाम रोशन करना है। वहाँ जाके मैं कहना है कि सुल्तानपुर में जाके अपने सीनियर्स को देखा, उनसे इंस्पिरेशन और मोटिवेट हुआ, उसी के कारण मैं आज ये बना पाया। अच्छा, आगे क्या विचारधारा है आपकी, आगे क्या मतलब अच्छे से क्या? अभी मैंने ये ड्रोन बनाया, जो कि आप देख सकते हैं ये ड्रोन मैंने बनाया है। अभी 2 महीने से मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, अभी ये कंप्लीट हुआ है। अब मैं इसमें कैमरा लगा के अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे कैंपस में जो है, जैसे कि फूड हम लेके जाते हैं, फूड की डिलीवरी होती है, डिलीवरी बॉय करता है, अब हम ये कर रहे हैं कि एक कैंटीन से जो हॉस्टल में जा सकती है वो ऑटोमेट हो जाए। मतलब अभी मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, अब मैं इसे कोडिंग के थ्रू ऑटोमेट कर दूंगा ताकि ये खुद उड़े, इसे कंट्रोल करने के लिए किसी की जरूरत ना पड़े। तो जैसे पिज्ज़ा जाता है एक घर से दूसरे घर में, मतलब डिलीवरी बॉय जो डिलीवर करते हैं, वो किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ड्रोन के थ्रू खुद होगा। तो यही मेरा आगे। अभी हमारी बात हुई थी निमिष यादव जी से, उन्होंने हमें बताया कि आने वाले समय में कुछ ही समय बाद वो इसको कंट्रोलर, जो कंट्रोल जिस व्यक्ति के हाथ में आता है वो कंट्रोलर करके, किसी को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसको, वो डायरेक्टली डोर टू डोर घूमेगा। निमिष जी, अभी आपने बताया, क्या आप इस ड्रोन को दिखा सकते हैं? दिखा दीजिएगा, हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं ड्रोन देखने के लिए। आपके द्वारा जो बनाया हुआ ड्रोन है वो दर्शक देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने ड्रोन को बनाया है। ये ड्रोन मैं बीच में कंट्रोलर लगाया इसका, कंट्रोलर जो कि पूरा, मतलब ये मेरा रेडियो ट्रांसमीटर है, ये जो है मैं इससे कंट्रोल करता हूँ। ये कंट्रोल से मैं यहाँ से सिग्नल भेजता हूँ ये बटन्स के थ्रू, जैसे कि ये सिग्नल है, इसे मैं ऊपर करता हूँ तो ये हाइट गेन करता है, मतलब ऊपर जाता है। और ये बाकी 4 सिग्नल्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं 1, 2, 3 और ये 4 सिग्नल्स के थ्रू ये हाइट आगे पीछे और नीचे जाता है। इसके थ्रू से ये, इसमें बीच में कंट्रोलर है जो ये सिग्नल भेजता है और ये चीज़ रिसीव करता है। ये सिग्नल रिसीव करने के बाद चारों मोटर पे देता है और उसी के अकॉर्डिंग चारों मोटर चलते हैं और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा चलता है। क्या आप इस ड्रोन को हमारे परिसर में उड़ा करके दिखा सकते हैं? क्या ये रेंज आप देख सकते हैं जिस तरीके से निमिष जी ड्रोन को उड़ा करके दिखाएंगे? देखिए,
देख सकते हैं किस तरीके से निमेश जी ने हमें ड्रोन उड़ा करके दिखाया है और उनके द्वारा बनाया गया ड्रोन आने वाले समय के लिए देश के लिए भी, और जिस तरीके से उन्होंने ड्रोन बनाया है मुरादाबाद का नाम रोशन हुआ ही हुआ है। और जहां तक उम्मीद है कि निमेश जी आगे भी बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं और मुरादाबाद के नाम रोशन करने के साथ साथ ये देश और विदेश में भी अपने शहर और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। आप अभी तक देख रहे थे RJC News Channel। आगे खबरें देखते रहिए हमारे साथ।